मित्रों, मैं आर विशाल काफ़ी दिनों बाद आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। सबसे बड़ी वजह ये कोरोना संकट, और पहले मैं 5 मिनट कोरोना संकट पर ही बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हों स्वस्थ हों पूरे परिवार के साथ। आज भारत की कंडीशन ऐसी है मित्रों कि जिन सड़कों को बहुत गुमान हुआ करता था अपनी लंबाई का, उन सड़कों को मजदूरों ने पैदल ही माप दिया। उन मजदूरों ने उन सड़कों को पैदल माप करके हमको आपको मैसेज दिया है कि परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो, हमें आपको घबराना नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पैदल चल करके अपने अपने घरों को पहुंच रहे हैं। इससे हमको आपको एक मैसेज मिल रहा है कि ये असंभव, इतनी लंबी दूरी रेलगाड़ी से भी आदमी जाने में उगता था, उसको लोगों ने पैदल माप दिया। अतः उन मजदूरों ने, उन हमारे भारतीय भाइयों ने एक मैसेज किया है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। इसी आज से आपके सामने कंटिन्यू रहूँगा। अभी तक चूँकि मैं गांव में हूँ, गांव में व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, बहुत सारे लड़कों ने मुझे मैसेज किया सर लाइव आ जाइए, तो मैं भी एकदम से मूड बना चुका हूँ। आज से लगातार वीडियो आपको मिलेगा। और ख़ास बात एक और सूचना दे दूँ आपको कि केवल मैथ का ही वीडियो नहीं रहेगा, मैं सभी विषयों के साथ YouTube पर आपको पढ़ाऊँगा। और आप जहाँ पर भी हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, बाकी जैसे ही परिस्थिति अनुकूल होगी, कोचिंग ओपन होगी, फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर से एक साथ मिलकर के पढ़ाई की जाएगी। YouTube पर भी आपको वैसा ही महसूस होगा जैसा क्लास में महसूस होता था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतनी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, इतनी ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं एकदम स्वस्थ और नियमों का पालन करें। मित्रों, ये एक ऐसा वायरस है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को लग रहा है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो दिखाई नहीं दे रहा है। कल मैं सुन रहा था आज तक पर कुछ लोगों ने वहाँ पे मैसेज किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्यवा की तरह अफवाह है, तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने घुटना टेक दिया इस कोरोना वायरस के सामने। अतः आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, मास्क ना अवेलेबल हो रुमाल यूज करें, लेकिन घर में रहने का प्रयास करें। क्योंकि अगर कोई फंस जाएगा, जैसा कि हमने देखा हमारे अगल बगल 2-3-4 केस आए, हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं, हर परिवार में डर सा है, लोग बाहर से आ भी चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा एक स्थिति बिगड़ने की संभावना है। केवल अगर हम नियम का पालन करें तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसी शुभकामना के साथ अब मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ाई।